नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश शिरोसी और आप देख रहे हैं SWB हिंदी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है खबरों के परे, सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक अहम बैठक में एक फैसला लिया गया है कि 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के हर एक व्यक्ति को अब कोरोना वैक्सीन की खुराक दी जा सकेगी। 1 मई से कोरोना टीकाकरण अभियान अपने तीसरे चरण में दाखिल हो जाएगा, जिसमें वैक्सीनेशन में तेजी लाई जाएगी और इसका दायरा बढ़ाया जा रहा है। अभी तक 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ही वैक्सीन लेने की इजाजत दी गई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को कम से कम समय में वैक्सीन मुहैया कराने के लिए पहले 1 साल से भी ज्यादा समय से उनकी सरकार काम कर रही थी। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत विश्व में दूसरे देशों की तुलना में रिकॉर्ड तेजी से लोगों को कोरोना का टीका लगा रहा है और इस अभियान को आगे भी तेजी से जारी रखा जाएगा। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान का पहला चरण इस साल 16 जनवरी को शुरू हुआ था, जिसमें शुरुआत में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई थी। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत 1 मार्च 2021 को हुई, जिसमें 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए टीके का प्रावधान किया गया। कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की 2 वैक्सीन को इजाजत दी थी और इसके बाद विदेश में बने स्पुतनिक वैक्सीन को भी आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी गई। स्पुतनिक का निर्माण अब भारत में हो सकेगा। तीसरे चरण में राष्ट्रीय वैक्सीन नीति के तहत टीके की कीमत को लेकर और इसके दायरा बढ़ाने के लिए छूट दी जाने की बात कही गई है। भारत में कोरोना टीकाकरण का तीसरा चरण औपचारिक रूप से 1 मई से शुरू हो जाएगा। वैक्सीन बनाने वाली दवा कंपनियां अपने कुल उत्पादन का आधा भारत सरकार को मुहैया कराएगी और बाकी आधा उत्पादन राज्य सरकारों या खुले बाजार में आपूर्ति करने के लिए स्वतंत्र होगी। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां खुले बाजार और राज्य सरकारों की आपूर्ति के लिए रखे गए 50% कोटे की कीमत 1 मई से पहले सार्वजनिक करेगी। इस कीमत के आधार पर राज्य सरकारें निजी अस्पताल, औद्योगिक प्रतिष्ठान वगैरह दवा कंपनियों से वैक्सीन की खरीद का फैसला कर सकेगी। प्राइवेट अस्पतालों को अपनी खरीदारी इसी 50% कोटे से करनी होगी। प्राइवेट अस्पताल को पारदर्शी तरीके से वैक्सीन की कीमत बतानी होगी। 18 साल से ऊपर के उम्र के सभी वयस्क इस चैनल के जरिए वैक्सीन हासिल कर सकेंगे। पहले की तरह भारत सरकार के वैक्सीन सेंटर्स पर हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को निःशुल्क वैक्सीन दिया जा रहेगा। वैक्सीन चाहे भारत सरकार या इसके स्तर किसी भी माध्यम के जरिए दी जा रही हो, यह अभियान नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम का हिस्सा रहेगा और सभी लोगों को पूर्व निर्धारित प्रोटोकॉल और कोविन ऐप के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि 45 साल से अधिक उम्र के जिन लोगों ने सरकार के द्वारा तय की गई 250 रुपए की कीमत देकर निजी अस्पतालों या संस्थानों से वैक्सीन ली थी, उन्हें अपनी दूसरी खुराक के लिए क्या कीमत चुकानी होगी, क्योंकि 1 मई से प्रभावी होने वाली नई नीति के मुताबिक निजी अस्पतालों को वैक्सीन की कीमत खुद तय करने का हक होगा।